तो दोस्तों हमारे पास दीपक सोनी सर का फ्लूट आ चुका है। सो गाइस आज इसका अपन अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर सर ने मेरे लिए कैसा फ्लूट भेजा है। तो गाइस मैंने उनसे जो है ई वेस प्रीमियम का फ्लूट परचेस किया था, तो आपको भी अगर उनका फ्लूट परचेस करना है तो आप ये वीडियो पूरा देखें और गाइस उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा, इसको मैंने कट कर लिया था क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है गाइस, तो आधा वीडियो इसी में बन जाएगा। तो इसमें भी उन्होंने एक गद्दा दे दिया है जिससे कि हमारी फ्लूट हले ना, तो इसको अपन साइड में रख देते हैं। और उसके बाद अब उन्होंने ये, वाह बहुत ही सुंदर बैग में उन्होंने ऐसा बैग में अपने को फ्लूट दिया है। तो आप देख सकते हो कि बैग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो थैंक यू दीपक सोनी सर, आइए इसको अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इसमें भी जो है साइड में उन्होंने गद्दा दे दिया है जिससे कि फ्लूट को लगे ना, चोट ना लगे, हमारी फ्लूट हिले ना। तो गाइस अब फाइनली हमारी फ्लूट निकलने वाली है, सो आई एम सो एक्साइटेड। तो गाइस ये रही हमारी ई वेस की, ओ भाई साहब फ्लूट, अब इसको भी अपन साइड में रख देते हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हो, यह है ई वेस की फ्लूट, ई वेस प्रीमियम, और ये फ्राई बैम्बू का फ्लूट है। तो आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो, आप इसकी गोलाई भी देख सकते हो, कितना अच्छा बनाई है, देख सकते हो ये ई वेस प्रीमियम की फ्लूट। और ये आप जो थ्रेडिंग देख रहे हो, इसको मैंने अपने मन से लगवाया है। मैंने उन सर को बोला था कि मुझे इसमें धागे ग्रीन, येलो और पिंक का चाहिए, तो सर ने वैसे ही किया है। तो थैंक यू सर, आपने बिल्कुल सही बांसुरी बनाई है और मुझे बहुत पसंद आया आपकी बांसुरी सर। तो चलिए इसकी आवाज़ को टेस्ट करते हैं। तो आइए इसकी आवाज़ सुनते हैं। और बोला जाए तो मैं इस फ्लूट में अभी बिगिनियर हूँ क्योंकि मेरे पास छोटी बेस, छोटी सी शार्प की फ्लूट है। तो ये मेरा पहला फ्लूट है दीपक सोनी सर से। तो आइए इसका सुनते हैं। तो हाथ मेरा भी फिट नहीं आ रहा है। अब सा बजाने की कोशिश करते हैं, हालांकि नए नए में हाथ इसका फिट नहीं जाता। दवा दे था अमृत बेस लगी है। तो गाइस अभी मैं इतना ही बजा पाऊंगा क्योंकि इसके आगे मेरे फिंगर्स अभी जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है और एक आध महीने में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने जो इतना अच्छा फ्लूट बनाया, और हम आगे चल के भी आपका फ्लूट प्रिपेयर करेंगे और लेंगे भी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, धन्यवाद।